असलकम दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लास एट्थ के इंग्लिश सब्जेक्ट की फ़र्स्ट चैप्टर को हाउ टीचर्स लर्न के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोर अमेजिंग वीडियोज़ के लिए और इसी स्टडी मटीरियल के लिए सो लेट एस स्टार्ट द वीडियो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज नूरा हाउ डिड शी बिकेम ए फ्रेंड ऑफ द टीचर नूरा कौन थी और वो अपने टीचर की फ्रेंड कैसे बनी आंसर इज़ नूरा वाज़ अ फाइव ईयर ओल्ड गर्ल नूरा एक फाइव ईयर की ओल्ड एक लड़की थी द टीचर हैड विजिटेड द फैमिली ओवर द वीकेंड दैट इज़ हाउ दे बिकेम फ्रेंड्स और उनकी जो टीचर है वो वीकेंड्स पर उनके घर या उनसे मिलने जाया करती थी तो इसी वजह से वो दोनों फ्रेंड्स बन गए द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ डिड द नूरा ऑब्जर्व नूरा वायर लर्निंग टीचर कैसे अब उस नू नूरा को देख रही थी जब वो पढ़ा रही थी जब नूरा पढ़ रही थी आंसर इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम द टीचर यूज टू सिट साइलेंट एंड वॉच हर ज़्यादातर टाइम जो जो नूरा की टीचर थी वो खामोश बैठती रहती थी और नूरा को देखती रहती थी बट समाइम्स ही फाउंड हर अनेबल टू रीड द वर्ड कुछ लेकिन कभी कभार वो देखती थी कि नूरा कभी उस किसी किसी वर्ड को नहीं पढ़ पाती थी या किसी फ्रेज़ को नहीं पढ़ पाती थी एंड सजेस्टेड हर टू मूव अहेड तो उसकी टीचर वो कहती थी आप आगे पढ़ो छोड़ो इस वर्ड को या उस फ्रेज़ को एंड समाइम्स हेल्पड हर टू रीड द वर्ड करेक्टली और कभी कुबार हेल्प करती थी नूरा की क्या वो ताकि वो वर्ड करेक्टली रीड कर सके पढ़ सके नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट आर थिंगज हैपनेड नूरा वाई वॉज द टीचर पजलड़ कौन से अजीब और स्ट्रेंज किस्से होते थे नूरा के साथ और वो टीचर हैरान क्यों होती थी आंसर इज द आर थिंग्स विध नूरा वॉज अनेबल रीड अ वर्ड क्रेक्टलीट शी हैजट शीडरेडी रीड क्रेक्टली ऑन ए पीवियस पेज और कौन से स्ट्रेंज थिंक होते थे नूरा के साथ वर्ड जो वो करेक्टली पढ़ती थी पिछले पैराग्राफ में और दूसरे पैराग्राफ में वो पढ़ नहीं पाती थी वो वर्ड मतलब एक पैराग्राफ में अगर कोई वर्ड वो पढ़ती थी दूसरे पैराग्राफ में वो पढ़ नहीं पाती थी द टीचर गॉट कन्फ्यूज एंड पजलड और इसी वजह से जो टीचर थी उसकी वो कन्फ्यूज हो जाती थी और हैरान हो जाती थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाज नोअर अ केयरलेस चाइल्ड डू यू नो क्वेश्चन मीनज क्या नूरा एक केयरलेस चाइल्ड थी मतलब किस अपना ख्याल ना ना किसी का ख्याल नहीं रखती थी क्या आपको पता है ये आंसर इज नो शी वॉज अ ब्राइट एंड अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो एक एक ब्राइट और शानदार इंटेलिजेंट काबिल तरीन बच्ची थी शी वॉज नॉट केयरलेस वो केयरलेस नहीं थी आई नो दिस फ्राम द गिवन टेक्स्ट दैट शी यूज टू रीड द बुक विध फुल फोकस ये मुझे कहाँ से पता चला जब वो अपने टेक्स्ट को फुल फोकस के साथ पढ़ रही थी अपनी किताब को फुल फोकस के साथ पढ़ रही थी तभी मुझे पता चला कि नूरा एक इंटेलिजेंट और ब्राइट स्टूडेंट है, ना कि एक केयरलेस चाइल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ शुड ए टीचर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द चाइल्ड एक टीचर एक उस्त कैसे एक बच्चे की अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड कर सकती हैं मतलब जान सकती है पहचान सकती है कि एक स्टूडेंट में कौन सी क्या प्रॉब्लम है आंसर इज़ टू कम्प्रहेंसिवली अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स ए टीचर मस्ट सी थिंग्स थ्रू ए चाइल्ड आइज़ एक टीचर को मतलब एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स उसी तरह अंडरस्टैंड कर सकता है कि जैसे कि वो प्रॉब्लम्स को लर्न कैसे करता है ए टीचर कैसे देखता है एक बच्चों की नज़र से देखता है एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को तो उसी वजह से वो उन बच्चों की अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड कर सकता है देख सकता है देख सकता है सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट एक्सपीरियंस पॉपड इन टू द टीचर्स माइंड आफ्टर नूराज लर्निंग प्रॉब्लम कौन सा वो एक्सपीरियंस टीचर्स के माइंड में आता था जब नूराज की प्रॉब्लम थी लर्निंग की तो टीचर्स माइंड से क्या एक्सपीरियंस आता था उससे आंसर इज द टीचर वंस हैड अ पेज रिटन इन सम इंडियन लैंग्वेज स्क्रिप्ट एक समय टीचर के हर के पास एक पेज होता था जो इंडियन लैंग्वेज में लिखा होता है द वर्ड एंड द लेटर्स वर नॉट नोन टू हिम और उस पर जो लिखा था उस वो वो उनको नहीं जानती थी मतलब इस पर क्या लिखा था नॉट नोन टू हिम मतलब नहीं पता था उस पर क्या लिखा था इट लुक लाइक ए जम्बल ऑफ वर्डस वो कुछ जम्बल ऑफ वर्ड्स लग रहे थे मतलब मैडम को समझ नहीं आ रहा था ये क्या लिखा है मतलब सब वर्ड इकट्ठे लिख रहे थे सेम द प्रॉब्लम द लर्निंग प्रॉब्लम विथ अ नूरा एज वर्ड्स लुक लाइक ए जम्बल ट हार और वही एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम होती थी नूरा के साथ जब वो पढ़ती थी या कुछ याद करती थी तो उसे कुछ वर्ड्स जम्बल दिखाई दे रहे थे मतलब एक साथ दिखाई दे रहे थे तो वो उसे फिर प्रॉब्लम होती थी उसे और यही प्रॉब्लम थी नूरा की भी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ अनलेटर्ड होम एट द डिसडवेंटेज इट मीनस स्टूडेंट्स के जो घर वाले हैं अनलेटर्ड मीनस वन हु कैन नॉट रीड और राइट मतलब जो स्टूडेंट्स के घर वाले होते हैं अगर उन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो एजुकेट नहीं है तो वो एक स्टूडेंट के लिए डिसडवेंटेज कैसे है नुकसानदायक कैसे है आंसर इज चिल्ड्रन फ्राम लेटर्ड होम आर एट डिस जो भी स्टूडेंटस उस घर आने से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर उन मतलब उनका कोई घर में एजुकेटेड नहीं है वो एक स्टूडेंट के लिए नुकसानदेह है क्योंकि बिकॉज देयर इज़ नो बॉडी एट होम टू टीच हिम क्योंकि उसके घर पे कोई नहीं है जो उसको पढ़ाए दे रिमेन अनफेमिलियर विद द शेप्स एन द पैटर्नस ऑफ द लेटर और इसी वजह से वो घर पर पढ़ नहीं पाते हैं ताकि उन, उनका पढ़ाने वाला घर पे कोई नहीं होता है उसी वजह से वो तो वो उन वर्ड्स और पैटर्न्स और लेटर्स से दूर रहते हैं मतलब फिर वो जान नहीं पाते हैं उन लेटर्स वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड द चाइल्ड लर्न फ्राम नूरा अभी जो बाकी बच्चों ने कैसे नूरा से सीखा है क्या सीखा है नूरा से आंसर इज़ द चिल्ड्रन हैव लर्न सम लर्निंग प्रॉब्लम्स बच्चों ने क्या चिल्ड्रन ने क्या सीखा है लर्निंग प्रॉब्लम कुछ लर्निंग प्रॉब्लम सीखी थी जो नूरा की थी द चाइल्ड द टीचर गॉड टू नो अबाउट दीज प्रम्स चिल्ड्रन आफ्टर ही ऑब्जर्व नूरा और स्टूडेंट और टीचर ने भी पता किया ये भी ये सीखा कि एक स्टूडेंट में ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब उसने नूरा की यह प्रॉब्लम देखी सो द नेक्स्ट सेक्शन इज लंगवेज वर्क फ़र्स्ट क्वेश्चन है इन द टेक्स्ट द ऑथर कीप्स यूजिंग द अमेरिकन एक्सप्रेशन टू फिगर आउट टेक्स्ट में जो करता ऑथर एक एक्सप्रेशन यूज़ करता है अमेरिकन एक्सप्रेशन टू फिगर आउट और हमें बताना है कि नीचे दिए गए हुए कुछ उसके रिलेटेड है कि उसकी मीनिंग क्लोज किसके साथ ज़्यादा होती है विच आर द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजिज इज़ क्लोजड इन मीनिंग टू द एक्सप्रेशन एज एट यूज इन पैसेज ऑप्शन में से उस एक्सप्रेशन की मीनिंग क्लोज किसके साथ है फर्स्ट है टू गेस सेकंड टू रिकॉग्नाइज थर्ड टू री टू रीजन आउट एंड डी पार्ट है टू डिस्कस और इसका जो आंसर है वो है टू रिकॉग्नाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज टू सेंटेंसेस डिस्क्राइब द सेम एक्शन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं वो सेम एक्शन करते हैं दो डिफरेंट व्यू पॉइंट से सेम एक्शन डिस्क्राइब करते हैं नाउ राइट ए सेकेंड सेंटेंस फॉर ईच ऑफ देंटेंस बिलो इन द सेम वे अब हमको सेम सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस लिखना है नीचे दिए हुए हुए डैशों में फिलिंग द ब्लैंक्स में ना द फर्स्ट डैश इज ही लोनड मी समलोथज आंसर इज आई बारोड देम सेकेंड इज ही सोल्ड मी एंड ओल्ड पियानो इसका आंसर है आई ब्रॉट इट थर्ड इज ही चेजड मी इसका आंसर आई रन अवे फोर्थ इज़ आई गेव हिम ए गिलास ऑफ वाटर आंसर है ही टुक इट लास्ट इज वी कंक्यूर्ड द एनमी इसका आंसर है दे गॉट डिफ़ीटेड। लैंग्वेज वर्क में तीसरा क्वेश्चन है सम स्पीक्स स्पीक्स लाइक ए एल आई एल आई एश एट्सट्रा आर एडिड टू नाउन टू फॉर्म हम किसी वर्ड को किसी नाउन को ये स्पीक्सिस आखिर में ऐड करते हैं तो वो एडजेक्टिज़ बनाते हैं एग्ज़ाम्पल और नेशनल नेशनल चाइल्ड चाइल्डिश फ्रेंड फ्रेंडली नाउ फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्राम द फॉलोइंग नाउनज बाई यूजिंग प्रिफिकस और नीचे अब कुछ नउनज़ दिए हैं उनको अब स्पीक्स एड करने हैं ताकि वो एडजटिज़ बने फर्स्ट इज़ एल्फ़ाबिट इसको आएगा एल्फाबिटिकल एंजल एंजिलक शेप शेपड या शेपलेस बुक बुकिश मैन मैनिश मैनली गमेंट गोरमेंटल मिनिस्टर मिनिस्टेरियल एलिफेंट एल्फेंटाइन टाइगर टाइगरश डे डेली कॉलेज कॉलेज नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगवेज वर्क में मैसेज राइटिंग आपको वहाँ पर कन कुछ कन्वर्सेशन दी दी हुई होगी इंग्लिश पर या एग्ज़ाम पेपर में तो आपको उस कन्वर्सेशन को एक बॉक्स में लिखना है एक मैसेज की तरह किसको लिखनी है और किसको सेंड करनी है अब अगर आपको खाली यहाँ ये रूल्स याद रखने हैं कि मैसेज में कौन कौन से रूल्स होते हैं और बॉडी आपको खुद ही आएगी बस रूल्स याद रखने हैं आपको अब जो लास्ट सेक्शन है वो है ग्रामर वर्क और इसमें आपको इन द ब्लैंक्स हैं बाई यूजिंग पार्ट्स पार्टिसिपल फॉर्म द गिवन वर्ब्स आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में पार्ट्स पार्टिसिपल फिल करनी है और यहाँ पर कुछ वर्ब्स की फॉर्म दी गई हुई है आपको पार्ट्स पार्टिसिपल भरनी है नाउ द फर्स्ट इज आई एम लिविंग इन डेजट हाउस आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस इट इज़ नॉट सेफ टू सिट इन अ डिटस चेयर इट इज़ नॉट टू सिट इन अ ब्रोकन चेयर आपको इस पेट पास्ट पार्टिसिपल फिल करने हैं सम पीपल डू नाट लाइक डैश वेजिटेबल्स सम पीपल डू नाट लाइक कुकड़ वेजिटेबल्स द हडमास्ट वांटड अ डिपोट रिटन रिपोर्ट दिस इज अ डल दिस इज अ फॉर गॉटन कॉरेल थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो अगर आप सारे यूनिट्स के टेक्सटल क्वेश्चन को नोट करना चाहते हो तो आप इस चैनल की प्ले चेक कीजिए तो वहाँ पर सारे यूनिट्स मिलेंगे थैंक यू सो मच